लॉकडाउन के दौरान पुलिस लोगों की खूब मदद कर रही है। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में देखने को मिली, जहां एक बुजुर्ग को एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद परिजन उसे हाथ ठेले से इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात विभाग के SI सूरज जमरा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बुजुर्ग को अपने सरकारी वाहन से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में होशंगाबाद के बालागंज इलाके में रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बाद बेटी दामाद हाथ ठेले से उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंच रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में जाने को सलाह दी। परिजन हाथ ठेले की ही मदद से बुजुर्ग को इलाज के लिए चिलचिलाती धूप में निजी अस्पताल ले जा रहे थे, तभी ड्यूटी पर वाहनों की चेकिंग कर रहे यातायात SI सूरज जमरा ने पहले उनकी समस्या सुनी और फिर उन्हें अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। जमरा ने बताया कि देशभक्ति और जनसेवा करना ही पुलिस का काम है और यही चीज हमें ट्रेनिंग में भी सिखाई जाती है। नौकरी तो एक अलग चीज है, लेकिन जनसेवा करना भी पुलिस का ही एक काम है। मामला ये है कि आज करीब 11 बजे पेट्रोलिंग के दौरान थैला गाड़ी पे एक महिला, एक पुरुष, एक वृद्ध आदमी को ढकेलते हुए ले जा रहे थे। से हमने पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें कुछ तकलीफ है, चलने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और कहीं गिर गए थे, इस कारण से दिक्कत आई थी। तो फिर हमने उनकी मदद की, उन्हें अस्पताल तक पहुंचा दिया। कहते हैं ना, देशभक्ति जनसेवा ही हमारा काम है, और ट्रेनिंग में भी हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि नौकरी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक हो सके पुलिस वाला वर्दी या सिविल, हर वक्त वो पुलिस वाला ही होता है और हमारा काम जनसेवा करना ही है। तो ये तो हमारी ड्यूटी ही थी कि अगर हम, हमारे पास वाहन है, हम मदद कर सकते हैं तो हम मदद करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।